नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। अब आपको मिर्जापुर में ही यहां के विंध्याचल कॉरिडोर से चुनावी चौपाल दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर लोगों की राय क्या है। पांचवें चरण का मतदान हो चुका है और अब चुनाव छठे चरण की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में मिर्जापुर का क्या कुछ हाल है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त विंध्याचल कॉरिडोर पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और सीधे तौर पर लगातार इस कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी बढ़ी है। ये बताइए कि भक्त आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल क्या लग रहा है इस वक्त? क्या माहौल? अच्छा, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा बन गया है मंदिर और इस बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, ये तो ये चुनाव में इसका असर पड़ेगा कॉरिडोर बनने जी का? हाँ, पड़ेगा, मोदी जी के जीत होगी। बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, शांति है और भीड़ भाड़ नहीं है। अच्छा से शांति से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार चौहान। सोनू, आप युवा हैं, ये बताइए क्या दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इस वक्त तो पांच फेज का चुनाव हो गया, छठा फेज चल रहा है तो अब होने वाला है, सातवां फेज भी होगा, तो क्या दिमाग में चल रहा है इस वक्त चुनाव का, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है? दिमाग में सिर्फ यही है, बीजेपी, टोटली बीजेपी हर जगह। क्यों ऐसा? बीजेपी पहला नंबर वन पे मंदिर, एक वोट राम के नाम। अभी राम मंदिर का मुद्दा है क्या? हाँ, अब की बार जब वोट हो जाएगा तब जाके खत्म होगा। हाँ, विंध्याचल को इतना सुसज्जित कोई बनवाया था किसी भाजपा सरकार में? मोदी प्रधानमंत्री बने ही। विंध्याचल जो मंदिर का कॉरिडोर है ये आप लोगों के लिए बेहतर है? हर जगह का मंदिर का बेटर है। जय श्री राम, जय श्री राम। हर जगह मंदिर का है, मंदिर का मुद्दा हर जगह है। जो हिंदू है तो मंदिर में जाएंगे कि मस्जिद में जाएंगे? हिंदू के बीजेपी में मोदी के साथ रहना चाहिए। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, हम तो मोदी के ही साथ हैं, मोदी के ही साथ हैं। अच्छा, एक तमाम और भी लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये तो कि यहाँ पे भक्तों की भीड़ बढ़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा। तो ये विंध्याचल कॉरिडोर का जो मुद्दा है ये चुनाव में असर करेगा मिर्जापुर में कि नहीं? नहीं करेगा, चुनाव में दूसरा माहौल है। चुनाव अपना अलग है, मंदिर का भाव अलग है। अभी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? अभी तो अभी शांत है सब। अच्छा, इनसे पूछेंगे क्या माहौल चल रहा है आजकल? सही चल रहा है, चल रहा है। मिर्जापुर में फाइट है कि नहीं है? वो अपना दल है, जीतेगा, जीतेगा। अनुप्रिया पटेल, भाजपा अपना दल, अनुप्रिया। अच्छा, क्यों ऐसा? ये क्या नाम है आपका? पंडित विवेक त्रिपाठी। पंडित जी, बताइए कि कॉरिडोर बनने से कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में या कि ये सब ऐसे ही है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे ही है? ये सरकार जो है कि धर्म के प्रति जागरूक है, अन्य सरकारों के प्रति जो है उदासीन है, धार्मिक स्थलों का उत्थान कर रहा है, भीड़ की संख्या 70-75% तक इंक्रीज हुआ है और बढ़ा है। लेकिन ये अगर पूछें चुनाव में तो भाजपा और अपना दल का यहाँ कैंडिडेट है अनुप्रिया पटेल, इस बार तो वही आ रही हैं। अच्छा, राजा भैया के ऊपर जो बयान दिया था, सब कुछ असर असर होगा कि नहीं होगा? हाँ, कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, वो भी आ रहे हैं, उनके विपरीत जो है प्रचार प्रसार करेंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। अभी बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि योगी जैसा काम कर दिए हैं यहाँ पे ना, तो अपना छाप छोड़ चुके हैं। योगी और मोदी का जो है कम्युनिकेशन ना बहुत अच्छा चलेगा, मोदी योगी का लहर है, उनके सिवा कोई जीतेगा ही नहीं, उन्हीं का सरकार आएगा। इतना किए हैं, थोड़ा सा अगर वो यहाँ उद्योग के प्रति अगर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर दे तो यहाँ के बढ़ावा है, जो बाहर जा रहे हैं ना वो यहीं पे अपना व्यवसाय करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा करना चाहिए, व्यवसाय के प्रति थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। ये कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी पाठक। अश्वनी जी, बताइए कि कॉरिडोर बनने से चुनाव पे कितना फर्क पर दिखाई पड़ता है आपको मिर्जापुर में? चुनाव का असर तो है ही सर, है भीड़ पहले की अपेक्षा कम हो रही है, हर जगह के यात्री यहाँ आते हैं, अयोध्या काशी के यात्री काफ़ी यहाँ पे आते हैं, तो जब तक चुनाव हो नहीं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो राजा भैया जो जो है चुनाव में विरोध करते नजर आ रहे हैं अनुप्रिया का, इसका कितना असर दिखाई पड़ेगा मिर्जापुर में? अब जिसके मन में जो है सर वो तो अपना करेगा ही, चुनावी प्रोपोगेंडा जो भी है राजा भैया का अनुप्रिया पटेल का वो तो अपना समझेंगे, सब एक ही थाली में खाने वाले हैं और बाकी तो सब जानते ही हैं, किसको जो करना है वो तो अपना करेगा, राजनीति है, सब राजनीति है सर। क्या नाम है आपका? विनय सिंह नाम है मेरा। विनय जी, ये बताइए कि आप क्षत्रिय हैं? हाँ, क्षत्रिय हैं। अच्छा, ये बताइए कि मिर्जापुर में कितना असर पड़ेगा अनुप्रिया पटेल ने जो राजा रानी का बयान दिया है, उसे कितना असर पड़ेगा? कोई विशेष असर नहीं है इसका, लेकिन तो राजनीति है, जनता जानती है जिसको जो करना है और जहाँ वोट देना है वो भी सब जानती है।
कॉरिडोर का फर्क रहेगा? हाँ फर्क रहेगा, इसका तो विशेष रहेगा। अयोध्या देख लीजिए और विंध्यवासिनी का देख लीजिए और काशी देखते ही हैं आप, तो असर तो बहुत पड़ेगा। मोदी सरकार फिर आएगी ये कोई कहने की बात ही नहीं है। ये चुलबुल पांडे जी भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम प्रीतेश कुमार तिवारी है, हम बागी बलिया से आए हुए हैं। क्या बात है, तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ। दर्शन आपने कर लिया, ये बताइए कॉरिडोर देखे हैं तो अभी तो बलिया में भी चुनाव होना है, मिर्जापुर में भी चुनाव होना है, क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। पीडीए की एनडीए, ये इंडिया हम नहीं कह रहे क्योंकि पीडीए इंडिया इस वाले पीडीए पीडीए कह रहे हैं इसलिए। देखिए बीजेपी की सरकार तो बहुत अच्छे पूर्ण बहुमत से बनेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। बलिया से सनातन पांडे जी की नीरज, देखिए वहाँ से तो भाई हम पांडे जी के साथ में हैं एकदम बिल्कुल। सरकार जो है भाजपा के लाएंगे, लेकिन हमारे पांडे जी हमारे रिश्तेदार भी है सनातन पांडे। ये कॉरिडोर बनने से पूर्वांचल में बीजेपी को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए एकदम। अभी तो अभी का गढ़ रहा है शुरू से ही, अर्थ तक प्रत्याशी कोई भी हो हमारा वो बीजेपी। तो मतलब मिर्जापुर में जो है अनुप्रिया पटेल की राह आसान है? एकदम आसान है, एकदम आसान है, हम लोग उनके साथ हैं, फूल समर्थन किया जाएगा। चलिए कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, देखिए तमाम जो दुकानदार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज, क्या माहौल चल रहा है? कॉरिडोर बनने से कुछ फर्क पड़ रहा है चुनाव में? फर्क पड़ रहा है, यात्रियों को सुविधा मिल रही है हर प्रकार, गर्मी में सब लगा हुआ है बॉन्डीम सब, लेकिन मेट और बिछ गया है सब व्यवस्था हो गया। इससे जो है चुनाव में असर दिखाई पड़ेगा जो लोग? उससे प्रभाव तो पड़ेगा ही, पड़ेगा पूरा। हाँ पूरा पड़ेगा, हल्का फुल्का नहीं पूरा पड़ेगा। पड़ेगा भाई, सुविधा तो कर ही है सरकार। आप लोगों को कुछ सुविधा विधा मिली है कि आप लोग आप लोग का किधर रुक है? दुकानदार तो बहुत नाराज थे जब शुरुआत में, तो अभी नाराजगी खत्म हुई है कि नहीं खत्म हुई? अभी चल ही रहा है, बाकी तो आधा तो कम हो गया है। कम हो गया है, हाँ। तो क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दीक्षित। बताइए कि अच्छा जय माँ विंध्यवासिनी, ये बताइए कि दर्शन आपने कर लिए? दर्शन के अभी लाइन में लगा हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई तीर्थ क्षेत्र है कॉरिडोर बनने के बाद ही, नहीं तो ये तो बहुत सकरा लग रहा था, मालूम पड़ रहा था यहाँ पे कुछ है ही नहीं, केवल एक मंदिर है, सब आते हैं दर्शन करके जाते हैं, लेकिन आज कॉरिडोर बनने के नाते ऐसा लग रहा है कि तीर्थ क्षेत्र बन गया है अभी। तो चुनाव में असर पड़ेगा? चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा। केवल एक ही गुजारिश है मोदी जी से, भाजपा से, जैसे सब कर रहे हैं वैसे रोजगार के लिए भी एक बार, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार के लिए भी सोचना चाहिए। मैं भी महाराष्ट्र से उनको वोट देने के लिए अपने क्षेत्र में आ गया हूँ, मैं भी उनका। अच्छा मतलब आप वोट देंगे? देखिए ये वो हूँ, लेकिन आज मैं रोजगार के लिए भी उनको मैं प्रेरित कर रहा हूँ, रोजगार के लिए भी एक मुद्दा उठाएं, वो रोजगार के लिए प्रेरित करें, सबको आगे ले जाएं। अच्छा देखिए ये वो व्यक्ति हैं जो लोगों के लिए मिसाल हैं, क्योंकि जो लोग अपने शहरों में रहकर वोट नहीं करते हैं उनको इनसे सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र से वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो ये यहाँ पर विंध्याचल पहुँचे हुए हैं, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। एक और कॉरिडोर बनने के बाद क्या कुछ जो है फर्क दिखाई पड़ रहा है? क्या नाम है आपका? मैदान संगीत गोस्वामी। बताइए कि कॉरिडोर बनने के बाद कुछ चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ रहा है? चुनाव में इसका क्या असर होगा? नहीं सर, नहीं, कॉरिडोर तो कॉरिडोर है, दर्शन करने वाले आते हैं वो करते ही रहेंगे। तो ये आते होंगे, कुछ बात करते होंगे, कहते होंगे नहीं बहुत बढ़िया बन गया या खराब बन गया? हाँ, चुनाव में इसकी तारीफ करते हैं कि ये बहुत अच्छा बन गया है और आगे प्रोग्रेस होना चाहिए। और जब से ये कॉरिडोर बना है भीड़ बहुत बढ़ गई है, पहले बहुत कम लोग आते थे, अब लाखों की तादाद में आते हैं। जो है इसी तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? जरूर जरूर, हमेशा रहना चाहिए। मिर्जापुर में क्या माहौल चल रहा है? मिर्जापुर में माहौल की बात क्या बताएंगे आप, माहौल तो हर जगह जिसका आप भी लोग जानते हैं। नहीं नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन आप भी बताइए ना कुछ। मोदी है ना हर जगह। अच्छा तो ये राजा भैया जो विरोध कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं, जो अच्छा है वो अच्छे के लिए आएगा। कुछ लोग हैं और भी, हाँ जी बिल्कुल बताइए, क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। मुकेश जी बताइए कि कॉरिडोर बनने से, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद विंध्याचल कॉरिडोर बन गया, तो इससे चुनाव में कितना असर दिखा आपको? कॉरिडोर से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और चुनाव की रही बात, यहाँ अपना दल हार रही है। वही मैं जाना चाह रहा हूँ, क्यों क्यों कैसे ऐसा है? वो राजपूतों के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, उनकी पार्टी से भाई, अभी देखे पकौड़ी लाल कोल का देखे होंगे, उन्होंने राजा भैया के लिए बोला, राजा रानी इनके खिलाफ ये हार रही है चुनाव, लेकिन यहाँ से तो लड़ रहे हैं बिंद। अरे बिंद से मतलब नहीं है, अपना दल हार रही है, बीजेपी की बात नहीं है, अपना दल हार रही है, अनुप्रिया पटेल हार रही है। कितने वोट है ये बता दीजिए? अरे
उसमें का इंतजार करिए। वोट तो बक्सा तो अभी काउंट होने गया कि अनुमानता बता दे, 4 जून इंतजार करिए। अच्छा एक चीज बताइए, आप जब ये बता रहे हैं हमको, ये बताइए कि और भी कोई पैमाना है या कि केवल ये बयानबाजी ही उनके लिए घातक होगी, और भी कुछ वो जनहित के बीच में जो रहेगा वही जीतेगा, वो जनहित के बीच में नहीं रहते। पटेल के पास जा रही है जात विशेष से, विशेष भाई नेता मतलब जनहित के बीच में होना चाहिए, वो जनहित के बीच में नहीं रहती है तो उसका असर रहेगा। आप एक एक घर जाइए, अनुप्रिया पटेल किसके घर जा रही हैं, वो कोई काम भी नहीं की है क्षेत्र में, नहीं जाती। मतलब 5 साल का पैमाना, 5 साल में क्षेत्र में नहीं आती है। आप लोग क्षेत्र में ही नहीं आई? नहीं आई है, चुनाव के समय में आती है तो ये कोई बात है। वो तो बुरी तरह हार रही है, बुरी तरह हार रही है। हाँ, बुरी तरह हार रही है। सहमत है? सहमत है इनसे भाई साहब, हमने इनकी बात ही नहीं सुनी, नहीं तो बोल दिया जाता। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल हार रही है, लेकिन बीजेपी लड़ती जी जाती, लेकिन अपना दल ऐसे अनुप्रिया लड़ रही है इसलिए हार रही है, और इनके साथी भी ये कह रहे हैं कि 5 साल कहीं गई नहीं। मैंने हाँ मान लीजिए नहीं गई, लेकिन मोदी जी को देख के सपोर्ट देंगे, अनुप्रिया तो आ ही रही है। अनुप्रिया हार, मोदी जी का नारा 400 पार, और उन्हें संपूर्ण विश्वास भारत की जनता पे है कि इस बार भारत की जनता उन्हें इतने प्यार से 400 पार वोटों से जिताएगी। मोदी जी आएंगे, इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं। और मोदी जी आएंगे आएंगे आएंगे, और मोदी जी अंगारे है, बाकी सब अंगारे है। और ये गारंटी वो 400 पार कर रहा है, 380 प्लस सीट एकदम 100% श्योर है, और प्रिया पटेल भी जीत रही है भारी मतों से। देखिए ये तमाम मिर्जापुर की जनता है जो अपनी अपनी राय दे रही है, और चूंकि यहाँ पर चुनाव 1 जून को होना है, ऐसे में उससे पहले यहाँ की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, और बयानबाजी भी मिर्जापुर को लेकर तेज हो चुकी है। कैमरामैन राम साथ विशाल लोगोंशी, जी मीडिया, मिर्जापुर।